पिछले दो दिनों से देश के अनेक भागों में लॉकडाउन कर दिया गया है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम भाइयों और बहनों। तो स्वागत है आपका देश के सबसे बड़े न्यूज चैनल पर। तो टुडे ब्रेकिंग न्यूज के साथ देश में और राज्य की कुछ 10 बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हो चुके हैं। सभी खबरें सिलेक्टेड और आपके काम की हैं। रेल यात्रा, बस सेवा, हवाई सेवा, चीनी बीमारी यानी कोरोना वायरस, मोदी सरकार की योजना से जुड़ी छोटी से छोटी जुड़ी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो भाइयों बहनों, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। और दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत मेहनत लगी है, तो वीडियो को पूरा देखें और एक लाइक जरूर करें और हो सके तो वीडियो को शेयर भी करें। बात करें आज की पहली बड़ी खबर के बारे में, तो इस रिपोर्ट ने सरकार के उड़ा दिए होश, फिर से लॉकडाउन के लिए रहे तैयार। कोरोना वायरस संकट के बावजूद अब लॉकडाउन में कई देशों में ढील दी जा रही है। भारत में 1 जून से लॉकडाउन पांचवें चरण के अनलॉक 1 स्टेज में। इस बीच नोमुरा रिसर्च फर्म के एक अध्ययन के आधार पर दावा किया गया है कि भारत सहित 15 देशों में लॉकडाउन में राहत से COVID-19 का संक्रमण तेजी से बढ़ सकता है। स्टडी रिपोर्ट के मुताबिक पहली कैटेगरी में 17 देश हैं जहाँ अर्थव्यवस्था को दोबारा शुरू करने की प्रतिक्रिया सही रास्ते पर है, यानी मामला ट्रैक पर है। दूसरी कैटेगरी में 13 देश हैं। इन देशों में कोरोना के सेकेंड वेव में कोई संकेत नहीं मिल रहे, लेकिन लौटने के संकेत हैं। तीसरा कैटेगरी वाले देश डेंजर जोन है। इस कैटेगरी वाले देश में सेकेंड वेव आने की पूरी आशंका है। भारत का नाम इसी कैटेगरी में शामिल है। डेंजर जोन में भारत के साथ इंडोनेशिया, चिली, पाकिस्तान, स्वीडन, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, सरीखे देश शामिल है। ऑन ट्रैक वाले देशों में फ्रांस, इटली और दक्षिण कोरिया शामिल है। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश चेतावनी यानी वार्निंग साइन क्षेत्रों में शामिल हैं। इस रिपोर्ट के आई समय के आधार पर अब विभिन्न देशों में अपने यहाँ लागू लॉकडाउन में ढील दे रहे हैं और लोग काम पर लौट रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने भी सभी देशों से अपील की है कि कोरोना का यह दौर किसी भी देश के लिए सब कुछ खुला छोड़ देने का नहीं है। बता दें कि भारत में 25 मार्च के बाद पहली बार 8 जून को सार्वजनिक स्थल जैसे धर्म स्थान और मॉल खोले गए हैं, जो केंद्र सरकार ने अनलॉक प्लान का हिस्सा है। यानी कि दोस्तों, अब फिर से लॉकडाउन लगाने की सरकार की पूरी तैयारी है। अगर लॉकडाउन नहीं लगाया गया तो दोस्तों कोरोना महामारी बहुत तेजी से फैलने वाली है, इसलिए सरकार अब इसको मद्देनजर रखते हुए लॉकडाउन के बारे में फिर से प्लान करने वाली। वहीं दोस्तों बात करें अगली बड़ी खबर के बारे में, तो पंजाब में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच से लगा लॉकडाउन, लेकिन साथ में लागू हुई ये शर्तें भी। पंजाब में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए अब सरकार ने कोरोना बचाव के लिए लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। हालांकि ये लॉकडाउन फर्स्ट लॉकडाउन जितना सख्त नहीं होने वाला है। सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार पंजाब में वीकेंड और पब्लिक हॉलीडे पर पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा, यानी कि शनिवार और रविवार को सरकारी अवकाश पर दुकानें नहीं खोली जाएंगी। इसके अलावा इन दिनों में राज ट्रांसफॉर्मेशन पर भी रोक लगा दी गई है। जी हाँ दोस्तों, आदेश के अनुसार सिर्फ उन्हीं लोगों को आने जाने की इजाजत दी जाएगी जिनके पास ई पास होगा। इसके अलावा पंजाब सरकार ने साफ कर दिया कि औद्योगिक इकाइयों पर हफ्ते के 7 दिन खुली रहेंगी। आपको बता दें कि सरकार लाख कोशिश के बावजूद ही पंजाब में कोरोना की मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। फिलहाल राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले 2805 हो चुके हैं और 55 लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। तो इसी को देखते हुए पंजाब की सरकार ने यह बहुत बड़ा निर्णय लिया है जिससे इसको रोका जा सके। बात करें अगली बड़ी खबर के बारे में, तो केजरीवाल सरकार का बड़ा ऐलान, अब घर बैठे आपके खाते में आएंगे 5,000 रुपये। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कंस्ट्रक्शन मजदूरों को इस महीने एक बार फिर से 5,000 रुपये देने का ऐलान किया है। पिछले 1.5 महीने से भी ज़्यादा समय से निर्माण कार्य में लगे ये मजदूर बेरोजगार हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने लगातार दूसरे महीने इन मजदूरों को 5,000 रुपये देने की घोषणा की है। दिल्ली के श्रम मंत्री गोपाल राय ने कहा कि इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। दिल्ली सरकार का दावा है कि इस योजना में करीब 40,000 मजदूरों को फायदा होगा।
इससे पहले मार्च महीने में लॉकडाउन के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को 5,000 रुपए देने का ऐलान किया था। इसके लिए कंस्ट्रक्शन मजदूरों को दिल्ली सरकार की ओर से लॉन्च किए गए पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। सीएम केजरीवाल ने कहा कि जिन मजदूरों का रजिस्ट्रेशन का नवीनकरण नहीं हुआ है वो इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए दिल्ली सरकार की ई डिस्ट्रिक्ट साइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि कोरोना के खतरे को देखते हुए सरकार ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की है। बता दें कि इससे पहले दिल्ली के श्रम मंत्री गोपाल राय ने जानकारी देते हुए कहा था कि सरकार ने फैसला लिया है कि श्रम विभाग में पंजीकृत कंस्ट्रक्शन मजदूरों के खाते में इस माह 5,000 रुपए भेजे जाएंगे। इससे दिल्ली में रहने वाले करीब 40,000 मजदूर लाभान्वित होंगे। इन मजदूरों को पिछले माह में सरकार ने 5,000 रुपए की सहायता राशि दी थी और एक बार फिर से अब दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने उन मजदूरों को 5,000 रुपए देने के लिए घोषणा कर दी है। यानी कि दोस्तों अब जो दिल्ली में कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले मजदूर हैं उनके खाते में 5,000 रुपए आएंगे। दोस्तों अगर आप दिल्ली से हैं तो जल्द ही आवेदन करके 5,000 रुपए का लाभ जरूर लें। और दोस्तों आपको इस खबर के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने ये जो काम किया है किस हद तक सही है। दोस्तों अगर आपको इससे लाभ मिला है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें।